आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, क्वेश्चन नंबर 71। कैरासेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन, कह रहा है कि सेल की जो रिएक्शन है वो स्वतः हो रही है, तो स्वतः कब होगी? जब डेल्टा जी नॉट इज निगेटिव। जब डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होती है तभी जो है रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होती है। तो 71 का ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोई भी रिएक्शन चाहे सेल की हो या कोई भी, अगर स्पॉन्टेनियस स्वतः हो रही है तो डेल्टा जी या स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे तो डेल्टा जी नॉट इज निगेटिव। ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए जो भी सॉल्यूशन में दिया गया है हमको, तो अब एनसीईआरटी में ये चीज नहीं है जो हम लोगों ने पढ़ा है, फिर भी अगर आगे आती है तो देखेंगे इसको। तो कह रहा है फॉर ए सेल रिएक्शन, सेल के अंदर जो रिएक्शन होती है, अभी सेल के बारे में हम लोग आगे चैप्टरों में अच्छे से पढ़ेंगे, तो कह रहा है वो स्पॉन्टेनियस होगी, स्वतः होगी। डेल्टा जी नॉट शुड बी निगेटिव, उसके लिए डेल्टा जी नॉट जो है निगेटिव होना चाहिए। एस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई जीरो सेल, ये सेल के लिए ये एन एफ ई जीरो की वैल्यू डेल्टा जी नॉट के बराबर होती है निगेटिव में, जैसे अभी हम पीछे पढ़ते चले आए हैं। सो द वैल्यू विल बी निगेटिव ओनली व्हेन ई नॉट सेल इज पॉजिटिव, ये तभी संभव है जब ई नॉट सेल पॉजिटिव हो, क्योंकि निगेटिव तो ऐसे लगा है। ई नॉट सेल हमारा इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स है, विद्युत वाहक बल जिसको हिंदी में कहते हैं वो है। यहाँ पर एफ हमारा फैराडे कांस्टेंट है और एन एक तरह से ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ये सब है, तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है तो उसमें नहीं दिया गया, तो संभावना कम है कि ये क्वेश्चन आए, क्योंकि एनसीईआरटी में काफ़ी चेंज हो गया है। जो 2022 वाली एनसीईआरटी है उसमें जो चीज़ें हैं वही हम नीट में आगे पूछी जाएंगी। तो कुल मिलाकर के स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट निगेटिव होता है, इसी बात पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो 71 का ये विकल्प हमारा सही होगा। देखिए 2000 में ये पूछा गया है तो अब संभावनाएं कम है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंट्रोपी, तो एंट्रोपी यानी अव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है हमको बताना है। तो देखिए जैसा कि हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर किसी चीज का बढ़ेगा तो उसका मतलब यह है कि उसकी जो मॉलिक्यूल या पार्टिकल है उसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो एनर्जी बढ़ेगी तो एनर्जी लेके उथल कूद ज़्यादा मचेगी तो अव्यवस्था बढ़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एंट्रोपी हमारी बढ़ती है, और जो ऑब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है यानी जीरो डिग्री केल्विन, तो उस पर जो है हमारा ये माना जाता है कि अणु एकदम कोई मोशन नहीं करते, तो जब कोई मोशन नहीं करेंगे तो अव्यवस्था एकदम नहीं होगी यानी एंट्रोपी जीरो होगी। तो एट ऑब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस यानी पूरी तरह से जो क्रिस्टल हो ठोस हो इज टेकन टू बी जीरो, तो उसकी एंट्रोपी जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन कोई पदार्थ है तो उसकी एंट्रोपी हम ऑब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जीरो लेते हैं। तो 72 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए लिखा है कि द एंट्रोपी ऑफ ए सब्सटेंस इंक्रीजेड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ अव्यवस्था यानी एंट्रोपी बढ़ती है। हाउ एवर एट ऑब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन टू बी जीरो, तो ऑब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर किसी पूरी तरह से क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी हम लोग जीरो लेते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा नियम कहते हैं, एनसीईआरटी में हम लोगों ने पढ़ा है। अब 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो
गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम पर आधारित है कि फ्री एनर्जी जो मुक्त ऊर्जा है गिब्स की, उसके परिवर्तन और इक्विलिब्रियम यानी संतुलन पर आधारित है, साम्यावस्था इसको कहते हैं। तो फॉलोइंग रिएक्शन आकरिंग इन एन ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर कह रहा है ये रिएक्शन होती है, उसमें जो पेट्रोल भरा जाता है ये ऑक्टेन एक तरह से, उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो यानी ये जलने वाली दहन वाली रिएक्शन है। तो कोई चीज हाइड्रोकार्बन है ऑक्सीजन से जलेगा तो CO2 और पानी बनेगा। तो कह रहा है द साइन ऑफ Δh, Δs एंड Δg शुड बी, तो इसके लिए Δh, Δs और Δg की वैल्यू हमको निकालना है। तो इसमें कुछ भी नहीं, सीधा फार्मूला लगा देंगे Δg इक्वल टू Δh माइनस टी Δs, तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए द गिवन रिएक्शन इज ए कम्बस्टन रिएक्शन, दहन वाली, तो दहन में हम लोगों ने पढ़ा है कि दहन की जो रिएक्शन है उसमें ऊष्मा निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो उसके लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब कि निकाय से निकल करके ऊष्मा परिवेश में जाएगी, यानी सिस्टम से निकल के सराउंडिंग में जाएगी। तो सिस्टम की एंथैल्पी घटेगी क्योंकि ऊष्मा घट रही है, तो एंथैल्पी घटेगी यानी Δh लेस देन जीरो होगा, तो Δh हमारा निगेटिव होगा। सिंस देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, देयर फोर Δs इज पॉजिटिव। अब देखिए इस रिएक्शन में यहां पर गैस दोनों तरफ है, तो यहां पर 25 और 2 27 मोल है गैस के, और प्रोडक्ट जो है उसमें 18 और 16 दूनी 32, 2 34 है, इधर 27 है इधर 34 है, तो गैस के मोल बढ़ रहे हैं। तो कोई चीज में गैस के मोल बढ़ते हैं तो अव्यवस्था बढ़ती है, अव्यवस्था बढ़ती है मतलब एंट्रापी बढ़ेगी, तो एंट्रापी Δs पॉजिटिव होगी। तो Δh निगेटिव है, Δs पॉजिटिव है। अब Δg अगर ये स्पॉन्टेनियस हो रही तो Δg हमारी निगेटिव होना चाहिए क्योंकि ऑटोमोबाइल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है। तो देखिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए Δh निगेटिव, तो Δh निगेटिव, Δg निगेटिव और Δs हमारा पॉजिटिव होगा। इसको देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं, Δg इक्वल टू Δh माइनस टी Δs। अब देखिए अगर रिएक्शन स्वतः है तो इसको निगेटिव होना पड़ेगा स्वतः रिएक्शन के लिए, और अगर हमको उत्तर निगेटिव लाना है तो ये निगेटिव लगा है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा Δs को, तब ये निगेटिव है तो निगेटिव वाला ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव का मतलब जीरो से ज्यादा, तो ये वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगी, तो इसको पॉजिटिव रहने में निगेटिव आंसर आने की संभावना है क्योंकि निगेटिव लाना है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। और Δh अगर पॉजिटिव भी है तो जीरो होना चाहिए और नहीं तो निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर ये भी निगेटिव हो गया ये भी निगेटिव हो गया तो और फायदा है, दोनों निगेटिव रहेंगे तो और आसानी से निगेटिव आंसर आएगा, तो ये भी निगेटिव हो तो ज़्यादा फायदा है, तो ये पॉजिटिव हो गए दोनों निगेटिव होंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। 73 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, 73 का डी सही है। देखिए Δh Δg निगेटिव है, Δs हमारा पॉजिटिव है। अब 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर राइट रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv फॉर वर मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो एक मोल आदर्श गैस के लिए Cp और Cv की वैल्यू का रिलेशनशिप क्या होता है, तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R हम लोगों ने पढ़ा है फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। तो यहां पर देखिए Cp माइनस Cv इक्वल टू R, n नंबर ऑफ मोल है तो एक मोल कह रहा है तो R रखें चाहे न रखें, तो Cp माइनस Cv इक्वल टू nR, जहां n नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, ध्यान दीजिए गैस के नंबर ऑफ मोल है और किसी के नहीं, हम पूरे किताब में पढ़ चुके गैस के ही मोल लेना है पूरे इस चैप्टर में। तो Cp Cv स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये विशिष्ट ऊष्मा है कांस्टेंट प्रेशर पर, ये विशिष्ट ऊष्मा है कांस्टेंट वॉल्यूम पर,
आर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो एन बराबर अगर एक रख दें एक मोल के लिए, तो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर आ जाएगा। अब 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, केवल अग्र दिशा में चलेगी, वापस नहीं लौटेगी। फॉर एन आइडियल गैस, किसी आदर्श गैस के लिए अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है शुरू से अंत तक। तो कह रहा है द करेक्ट ऑप्शन इज, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो सीधा हम लोग फार्मूले पे लगा रहे फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए 75 में द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, बॉस पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो आंतरिक ऊर्जा है वो ताप के समानुपाती होती है, तो अगर डेल्टा टी हमारा ताप परिवर्तन नहीं हो रहा तो आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन नहीं होगा। तो डेल्टा टी चूंकि आइसोथर्मल है, ताप समान है, तो अंत का प्रारंभ का समान रहेगा, तो घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, तो डेल्टा टी जीरो, तो डेल्टा यू भी जीरो रहेगी, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी ताप के समानुपाती है, तो ये जीरो, तो ये जीरो। विच एन एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, विद एन एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, अगर किसी गैस का एक्सपेंशन हो रहा है यानी प्रसार हो रहा है, तो मोर स्पेस इज अवेलेबल फॉर द गैसियस पार्टिकल, तो गैस के कणों के लिए ज्यादा जगह चाहिए, ज्यादा खाली स्थान चाहिए, तो एंट्रापी एज गैस इंक्रीजेज आर एंट्रापी ऑफ सिस्टम इज नॉट जीरो। तो जाहिर सी बात है अगर एक्सपेंशन हो रहा है, फैलाव हो रहा है, तो अणु गैस के और इधर उधर भागेंगे, तो जाहिर सी कि यह व्यवस्था और बढ़ेगी, तो डेल्टा एस हमारा जीरो से ज्यादा होगा, जीरो नहीं होगा। तो डेल्टा एस जीरो नहीं होगा, डेल्टा टी जीरो होगा, डेल्टा यू जीरो होगा। 75 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, डेल्टा यू जीरो, डेल्टा टी जीरो, डेल्टा एस टोटल जीरो नहीं होगा, डेल्टा एस टोटल मतलब सिस्टम और सराउंडिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क डन। तो देखिए हमने पीछे पढ़ा था W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, जैसे क्षेत्रफल इक्वल टू होता है एरिया इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये जो कर्व बनाए गए हैं इसमें जो क्षेत्रफल होगा, एक तरफ चूंकि दाब है एक तरफ आयतन, तो ये क्षेत्रफल में जैसे कोई हम लोग कुछ बनाते हैं, कोई चीज बना रहे हैं, तो इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई निकालते हैं, तो ये पूरा एरिया आ जाता है। अब जाहिर सी बात है एक तरफ दाब है एक तरफ आयतन है, तो इसमें अगर दाब और आयतन का गुणा कर दें, तो जैसे लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल आता है, वैसे दाब और आयतन का, क्योंकि एक भुजा दाब है एक भुजा आयतन है, तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा। और यही क्षेत्रफल चूंकि डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डेल्टा भी होता है, तो जो क्षेत्रफल आएगा वही हमारा कार्य को बताएगा, जैसे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो वर्क बराबर दाब गुणे आयतन में परिवर्तन, तो दाब गुणे आयतन में परिवर्तन भी क्षेत्रफल होगा, जो भी ये घिरा रहेगा तो उसका क्षेत्रफल ही हमारा कार्य बताएगा, तो जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसके लिए वर्क डन ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। तो देखते हैं, तो ये चार फिगर हमको बना करके दिखाए गए हैं, सब आइसोथर्मल कंडीशन में है, एक फिगर ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इनको भी अच्छे से देख लीजिए। तो पूछ रहा है किस समय वर्क डन मैक्सिमम होगा, तो देखिए सारे क्षेत्रफल जितने भी हैं जो घिरे हुए क्षेत्रफल हैं ये सबसे तगड़ा है, देखिए ये भी कम है, ये भी कम है, सबसे ज्यादा इसमें है, ये ज्यादा एरिया बड़ा दिखाई दे रहा है ना क्षेत्रफल, तो इसमें जो है वर्क डन सबसे ज्यादा होगा, तो 76 का सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, पीवी कर्व जिसका मैक्सिमम होगा उसी में वर्क डन मैक्सिमम होगा। तो इसको देखते हैं, तो देखिए 76 का सेकंड करेक्ट है, कह रहा है सिंस एरिया अंडर द पीवी कर्व रिप्रेजेंट द वर्क डन एन एरिया अंडर द कर्व इन ग्राफ सेकेंड इज मैक्सिमम, चूंकि जो क्षेत्रफल है पीवी कर्व का वो वर्क डन यानी किए गए कार्य को बताता है, तो एरिया
सेकंड का सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, सो मैक्सिमम वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व सेकंड, इसलिए दूसरे कर्व द्वारा सबसे ज्यादा कार्य को दर्शाया जाएगा, तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट वन इज लेबल्ड एज एसर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर, तो एक एसर्शन है और जो दिया गया है उसका रीजन बताया गया है अगले में। तो देखिए एसर्शन क्या है, कह रहा है इन इक्वेशन डेल्टा आर जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, देखिए 2023 में पूछा गया, इसका मतलब एनसीईआरटी में दिया गया है, तो ये फैराडे कांस्टेंट है, ये सेल का विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है, तो वैल्यू ऑफ डेल्टा आर जी डिपेंड ऑन एन, एन पर डिपेंड करते, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वैल्यू है हमारी डेल्टा आर जी की वो एन पर डिपेंड करती है। अगला कह रहा है ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा आर जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इन द राइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर एंड द ऑप्शन गिवन बिलो, तो चार ऑप्शन दिया होगा उसमें पूछेगा कि दोनों सही हैं कि एक गलत है, दोनों सही हैं तो क्या एसर्शन रीजन की व्याख्या करता है, ये सब दिया होगा हमको, तो इनमें से बताना है हमको। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में पहला वाला करेक्ट है, इसमें बता रहा है कि जो डेल्टा जी और इनर सेल के बीच रिलेशन है वो है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल या इनर सेल, यहाँ पर एन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हमने एन को ऑक्सीडेशन नंबर बताया था, तो वही इलेक्ट्रॉन जब इधर उधर जाएंगे तो ऊपर प्लस माइनस जो लगेगा वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो यहाँ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और एफ जो है फैराडे कांस्टेंट है, तो आल्सो ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ई सेल हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो डेल्टा जी है हमारी ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो कह रहा है कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, जो रीजन है वो एसर्शन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ये कहने का मतलब है। तो देखिए एसर्शन और रीजन दोनों सही है कि ई सेल हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और डेल्टा आर जी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और डेल्टा आर जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल ये फार्मूला भी करेक्ट है, और डेल्टा आर जी जाहिर सी बात है माइनस एन एफ ई है तो एन पे भी डिपेंड करेगी, ई नॉट सेल पे भी डिपेंड करेगी, एफ तो हमारा फैराडे कांस्टेंट है तो एन पे डिपेंड करेगी ये वैल्यू, तो ये भी सही है, तो सही दोनों है लेकिन अब ये इस तरह है इसकी व्याख्या या रीजन नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी एसर्शन से नहीं क्लियर हो रही कि कौन एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये तो सीधा फार्मूला लिख दिया गया, तो यहाँ पर डेल्टा जी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और ई नॉट सेल हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का मतलब समझिए, इंटेंसिव मतलब इन मतलब इनडिपेंडेंट, इनडिपेंडेंट है सिस्टम की अमाउंट पर और उसके किसी भी चीज पर ये इनडिपेंडेंट है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं है सिस्टम के मात्रा पर, और ये डिपेंडेंट है एक्सटेंसिव, तो इंटेंसिव मतलब इनडिपेंडेंट सिस्टम के अमाउंट पर, जित कितने नंबर ऑफ मोल हैं सब या मास पर, इन पर सब डिपेंड नहीं करेगा, इंटेंसिव मतलब इनडिपेंडेंट, एक्सटेंसिव मतलब डिपेंडेंट, ये ध्यान रखिए। अब 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है व्हिच अमंगस्ट द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन चेंज इन एंट्रॉपी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू और एंट्रॉपी में चेंज के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो सीधा फार्मूला है, तो देखिए ऑप्शन वन करेक्ट है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो ऑप्शन वन हमारा करेक्ट है।
तो 78 नंबर क्वेश्चन थे, तो आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। आज का लेक्चर बस यहीं तक।